पीछे देखिए पीछे कैसे बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ऐसा आप कर सकते हैं कब, जब आपके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड ना हो या फिर ध्रुव राठे के वीडियो की तरह आप ही पीछे में कुछ दिखाना चाहते हैं। बता दूं कोई मैंने ग्रीन स्क्रीन नहीं लगा रखा है और ना ही कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज किया है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, ऐसा करना बहुत ही आसान है, बस आपको पूरा वीडियो को वॉच करना है। इसके लिए मैंने दो तरीके बता रखे हैं, जिसमें दूसरा तरीका मेरा फेवरेट है और बड़े बड़े यूट्यूबर भी इसका यूज करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले VN को ओपन करेंगे, प्लस आई आइकन पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है। उसके बाद आपको वो वाले वीडियो लेना है जो इसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ उस वीडियो को। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसको कट करके हटा देना है। चलिए मैं जितना आपको थोड़ा सा वीडियो लेता हूँ दिखाने के लिए सिर्फ। आप जितना मर्जी चाहे, जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा ले सकते हैं। इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर देखिए साइड में इसका जो लोगो है ना, इस पर टैप करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसका एक लोगो आता है, वाटरमार्क आता है लास्ट में, उसको आपको डिलीट कर लेना है। बस मैं थोड़ा सा वीडियो लिया हूँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ। आप जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा वीडियो ले सकते हैं। आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए पूरा आपका इतना होगा, कुछ इस तरह का होगा। तो आपको यहाँ पूरा इसको फुल कर लेना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से होगा कि आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा और आपका जो बैकग्राउंड में आप लगाएंगे, जिस फोटो को लगाएं या फिर वीडियो को लगाएंगे, वो बहुत ही स्मूथ दिखेगा और बहुत ही ग्लेजिंग के साथ दिखेगा। तो चलिए इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं, फिर चलेंगे काइनमास्टर पर। काइनमास्टर को ओपन करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। आपको अपना हिसाब से रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको बैकग्राउंड में वो फोटोज़ लेने हैं जिसका आप बैकग्राउंड को लगाना चाहते हैं। बैकग्राउंड में आप जो लगाना चाहते हैं उसी को आपको पहले लेना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ। मैं अब अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं VN से अभी जो एक्सपोर्ट किया था मैंने, उस वाले वीडियो को लेना है। लेयर पर क्लिक करेंगे और VN पर क्लिक करेंगे, जो हमने अभी वीडियो लिया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर देखिए साइड आएंगे तो स्प्लिट स्क्रीन, इस पर क्लिक करके पूरा फिल कर लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देना। बस मैं छोटा सा दिखाने के लिए, आपको डेमो दिखाने के लिए ले रहा हूँ। आप जितना बड़ा मर्जी चाहे उतना बड़ा ले सकते हैं। तो चलिए मैं साइड करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए यही मैंने मैजिक रिमूव है लिखा है ना, इसको ध्यान से देख लीजिए, मैजिक रिमूव, इसी पर टैप कर देना है। बस कुछ ही सेकंड में और कुछ ही मिनट के अंदर आपका आपके साथ जादू होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए मेरा बैकग्राउंड कितना स्मूथ तरीके से रिमूव हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए गजब लग रहा है ना, देखिए चला के दिखाते हैं आपको, देख रहे हैं कितना एकदम स्मूथ तरीके से चेंज हुआ है। बस इसको आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लीजिए, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। अब बारी है दूसरे तरीके की। इसके लिए मैं कैपकट का यूज करने वाला हूँ, जिसका यूज बड़े बड़े क्रिएटर भी अक्सर किया करते हैं, तो मैं चलिए उसी का यूज करूँगा। लेकिन कैपकट तो इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं VPN की ज़रूरत पड़ेगी। जो प्ले स्टोर से आप फ्री वाला कोई भी एक थोड़ा ले लीजिएगा। तो मैंने सिक्योर VPN का नाम का ले लिया है, इसको चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड में मेरा VPN कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको कट करके बैक आना है और कैपकट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर वीडियोस आपको दिख रहे होंगे क्योंकि मैं इसका यूज अक्सर किया करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको वो वाली फोटोज लेना है, फिर वीडियोस लेना है जो आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। थोड़ा साइड जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा एक तो इसका लोगो, कैपकट का वाटरमार्क, इसको आपको यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओवरले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वो वाला वीडियो लेना है जो आपने VN से अभी एक्सपोर्ट किया था, ठीक है ना। चलिए मैं उसको ले लेता हूँ। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पर उसको दोनों हाथ से पकड़िए और पूरा मैं टाइमलाइन में फिट कर दीजिए। उसके बाद ये मेरा हो गया इतना काम। अब इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके साइड कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए। इस पर टैप कीजिएगा और साइड कीजिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए कट आउट है ना, इस पर क्लिक करना है और रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। बस आपका कुछ ही सेकंड में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और इतना स्मूथ तरीके से रिमूव होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ से लग रहा है पहले यहाँ पर कुछ और था जो कि अभी कुछ और हो चुका है। आप जितने मर्जी चाहे उतने बड़े वीडियो बना सकते हैं और इस एप्लीकेशन के आप अंदर आप अपना पूरा टाइम बचा सकते हैं और बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। इसका आप अगर यूज नहीं करते ना तो करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए और इसको
आप एक्सपोर्ट कर।